स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी 25 खबरों की ओर। सांसद राहुल गांधी का एक दिवसीय रायबरेली दौरा आज, शहीद अंशुमन सिंह के परिवार से करेंगे मुलाकात। कठुआ में दूसरे दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान हुए थे शहीद। कठुआ हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, लिखा आतंकवादी हमले में 5 जवानों के मारे जाने से बहुत दुखी हूं। भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा यह कायरता पूर्वक पूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर जताया दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण, आज टनकपुर बनबसा खतीमा क्षेत्र का करेंगे निरीक्षण। हाथरस कांड में एसआईटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट, 132 लोगों के बयान दर्ज, कई अफसरों पर गिरेगी गाज। कस्बा 2027 से पहले संगठन में मजबूती की में जुटी, जिला कमेटियों का नए सिरे से किया जा रहा गठन। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। भारी बारिश के कारण मुंबई के रेलवे ट्रैक पर जलभराव देखने को मिला। ज्ञानवापी स्थित वसु खाने के एसआई सर्वे का मामला, एसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्टैंड बाय पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। पंजाब में 22 इंस्पेक्टरों को दी गई पदोन्नतियां, डीएसपी स्तर पर किया गया प्रमोट। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। ईओ और एसडीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ भाकियों का धरना, अवैध कब्जों और जलभराव से परेशान होकर किया प्रदर्शन। अमेठी में ट्रक ने यात्रियों से भरी बस को मारी टक्कर, टक्कर में 4 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रहे। नोएडा पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। पानी कम होने के बाद मुंबई लोकल का हार्बर लाइन ट्रैक चालू, मेन लाइन पर देरी से चल रही ट्रेनें। बिहार के बेगूसराय में ऑटो और कार की टक्कर, 6 लोगों की मौत और कई घायल। मशहूर सिंगर उषा उत्थुप के पति का निधन, घर पर टीवी देखते हुए हुआ कार्डियक अरेस्ट। मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर गोल्डन सूट पहने दिखी नीता मुकेश अंबानी, सूट के कफ पर है चांदी की कढ़ाई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी, अभिनेता सलमान खान हुए फंक्शन में शामिल। एंटीलिया में देखे गए मशहूर गायक उदित नारायण, पत्नी दीपा नारायण भी रही मौजूद। अमेरिका में तूफान बेरिल ने मचाई तबाही, टेक्सास में 3 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। जो बाइडेन का नहीं चल रहा पार्किंसंस का इलाज, अफवाहों पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।